वाराणसी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार के 9 साल के उपलब्धियों के बारे में बताया। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित शासन के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यापक जनसंपर्क का कार्यक्रम तय किया है जो 30 मई से 30 जून तक चलना है। उसी कार्यक्रम के सिलसिले में आज मेरा काशी आना हुआ, एक रोहनिया विधानसभा के कार्यक्रम है और लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम लोग घर घर, हमारी सरकार ने जो 9 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में काम किए हैं उन कामों को लेकर जा रहे हैं, जिसे लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्षेत्रीय कार्यालय रोहनिया में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही साथ आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच किस प्रकार से पहुंचाया जाए इस पर चर्चा भी की। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 64 सीटें जीती थी, 16 हम हार गए थे। बाद में बाई इलेक्शन हुए तो हमने रामपुर और आजमगढ़ की सीटें जीत ली, तो 14 सीटें ऐसी हैं जो लोकसभा में हमारे पास नहीं हैं। इनमें से 12 सीटें ऐसी हैं जो 2014 में हम जीते थे लेकिन हम 2019 में नहीं जीत पाए। हमारी पार्टी की एक लोकसभा प्रवास योजना है, उसमें अलग संगठन की दृष्टि से भी और हमारे सरकार के कामकाज को लेकर भारत सरकार के माननीय मंत्रियों के भी लगातार क्लस्टर बनाकर हम लोगों ने दौरे सुनिश्चित किए हैं और पार्टी अपने संगठनात्मक स्ट्रक्चर और अपने कार्यक्रम अभियान हमारी सरकार के काम को लेकर लगातार जनता के बीच में है और एक बड़ा जनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम आया है। वही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए 66 सीट व हारे हुए 14 सीट को लेकर पार्टी और संगठन बूथ स्तर पर तैयारी कर रही है, जिसमें तमाम संगठन व पार्टी के लोगों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में सरकार के तमाम विकास कार्यों को लेकर हम लोगों के बीच जाएंगे। हमने उसमें लोकसभा के अनुसार और विधानसभा के अनुसार और बूथों के अनुसार कार्यक्रम तय किए हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है घर घर जनसंपर्क का, तो 21 तारीख से और 30 तारीख तक हमारे सभी कार्यकर्ता, संगठन के ज्येष्ठ बेस्ट श्रेष्ठ कार्यकर्ता अपना पंपलेट, अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर लगातार 30 तारीख तक हर घर घर हम लोग संपर्क करें। वहीं G20 कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विदेशी मेहमानों के साथ हाथ मिलाते हुए एक फोटो को समाजवादी पार्टी के द्वारा ट्वीट किया गया, जिसके जवाब में भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ एक शांत व्यक्तित्व है और संत के साथ साथ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए मुख्यमंत्री है। G20 मेहमानों का स्वागत सत्कार करना उनका कर्तव्य है, जिसका वह निर्वहन कर रहे हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है लेकिन योगी जी संत हैं और संत के साथ साथ वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, तो उन्हें सबका स्वागत सत्कार करना ये उनका कर्तव्य है, दायित्व है और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।